हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस दिल्ली एम्स एग्जाम के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस दिल्ली एम्स एग्जाम में पहले आ चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ओके। क्वेश्चन नंबर वन, एक क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली इन्वायरमेंट फॉर हिज अल्कोहलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वॉज यूज बाय द पेशेंट। एक क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है जो अपने अल्कोहलिज्म के लिए अपनी फैमिली एनवायरनमेंट पर ब्लेम कर रहा है, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर पेशेंट यूज़ कर रहा है? ए डिनाइल, बी प्रोजेक्शन, सी रैशनलाइजेशन, डी सब्लिमेशन। करेक्ट आंसर होगा बी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर पेशेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट विच एज, कौन सी एज पर मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होते हैं? ए 6 मंथ, बी 4 मंथ, सी 3 मंथ, डी 8 मंथ। करेक्ट आंसर है सी 3 मंथ पर मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होते हैं, और अपियर की बात करें तो 2 मंथ पर अपियर होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन इन लिथियम थेरेपी, लिथियम थेरेपी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर है ए सोडियम, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे लिथियम थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश, सर्जिकल हैंड वॉश में कितने टाइम तक हैंड स्क्रब करते हैं? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 3 मिनट, डी 5 मिनट। करेक्ट आंसर है डी 5 मिनट तक हैंड स्क्रब करेंगे सर्जिकल हैंड वॉश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रीज फीडिंग, ब्रीज फीडिंग में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? ए प्रोपनोलोल, बी सल्फोनाइल यूरिया, सी सिफेलो स्पोरिन, डी जिडोव्यूडाइन। करेक्ट आंसर है इसका बी सल्फोनाइल यूरिया ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ब्रीज फीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन हाईली हीट रेसिस्टेंस होती है? ए BCG, बी MMR, सी OPV, डी TT। करेक्ट आंसर है डी TT, टिटनेस टॉक्साइड जी की होती है, हाईली हीट रेसिस्टेंस होती है। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो BCG की होती है बेजलस कार्मेल ग्यूरिन, MMR की मीजल मम्स रूबेला, OPV की ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेराइजेशन, सेंट्रल लाइन कैथेराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ए इंटरनल जुगलर वेन, बी फिमोरल वेन, सी रेडियल वेन, डी ब्रैकियल वेन। करेक्ट आंसर है ए इंटरनल जुगलर वेन, जी क्या होती है मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर सेंट्रल लाइन कैथेराइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिरिंज इज यूज फॉर फ्लशिंग PICC, PICC को फ्लश करने के लिए कौन सी ML की सिरिंज यूज़ करते हैं? ए 1 ML, बी 2 ML, सी 3 ML, डी 5 ML। करेक्ट आंसर है डी 5 ML की सिरिंज यूज़ करेंगे PICC को फ्लश करने के लिए। PICC क्या होता है? PICC की फुल फॉर्म है पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। इसको फ्लश करने के लिए 5 ML की सिरिंज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीरियम ट्रेमर्स या पर ट्रेमर्स है, ट्रेमर्स आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ, इनमें से किसको विड्रॉ करेंगे? अगर पेशेंट विड्रॉ करेगा तो उसमें डिलीरियम सिम्टम्स शो होंगे। ए अल्कोहलिज्म, बी कोकेन, सी ओपियोइड, डी कैनाबिस। करेक्ट आंसर है ए अल्कोहलिज्म, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और अल्कोहलिज पेशेंट है और वो विड्रॉ करता है उसे, तो डिलीरियम ट्रेमर्स सिम्टम्स उसमें शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स परफोरेट होती है तो उसके बाद कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? ए पेरिटोनाइटिस, बी हेमरेज, सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डी पेल्विस इन्फ्लेमेशन डिजीज। करेक्ट आंसर है इसका ए पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है? अपेंडिक्स अगर परफोरेट होती है तो उसके बाद कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। 11, टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कौन से टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में टफ्ट ऑफ हेयर सीन होते हैं, हार्ड हेयर्स? ए स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, बी स्पाइना बिफिडा अक्लेटा, सी एंट्रोसिल, डी हाइड्रोसिफेलस। करेक्ट आंसर है बी स्पाइना बिफिडा अक्लेटा। ये क्या है? एक न्यूरल टाइप ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का टाइप है जिसमें टफ्ट ऑफ हेयर सीन होते हैं, ठीक है, हार्ड हेयर्स शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज एसोसिएटेड विद डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी. डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है? ए हाइपोकैलेमिया, बी हाइपरनेट्रेमिया, सी हाइपोनेट्रेमिया, डी हाइपोकैल्सीमिया. करेक्ट आंसर है ए हाइपोकैलेमिया. ठीक है, हाइपोकैलेमिया अगर डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो हाइपोकैलेमिया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ रोटा वैक्सीन. रोटा वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का कौन सा रूट होता है? ए ओरली, बी IM, सी IV, डी सबक्यूटेनियस. करेक्ट आंसर है ए ओरली देते हैं रोटा वैक्सीन 5 ml. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी. वाइट इज डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन इन. वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होना किसमें सीन होता है? ए ट्राइकोमोनियासिस, बी सिफिलिस, सी गोनोरिया, डी कैंडिडियासिस. करेक्ट आंसर है डी कैंडिडियासिस. ठीक है, वाइट डिस्चार्ज, कैंडिडियास में वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से. ये क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग. पेशेंट कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग लेगा अगर तो उसमें रेड कलर यूरिन सीन होगा? ए रिफामपिजिन, बी थाम्ब्यूटल, सी आइजोनाइजिड, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन. करेक्ट आंसर है इसका ए रिफामपिजिन. अगर रिफामपिजिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग पेशेंट ले रहा है तो उसमें रेड कलर यूरिन सीन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रामसे स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ. रामसे स्केल किसको असेस करने के लिए यूज करते हैं? ए एनजीएस पेशेंट, बी सेडेशन, सी अराजोल, डी पेन. करेक्ट आंसर है बी सेडेशन को असेस करने के लिए रामसे स्केल यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है. ईडीडी पर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. इफ एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 25 जून 2018 देन व्हाट इज द ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. अगर एलएमपी 25 जून 2018 है तो ईडीडी क्या होगी? ए 2 अप्रैल 2019, बी 4 अप्रैल 2018, सी 2 मार्च 2019 है या डी 4 मार्च 2019. करेक्ट आंसर है ए 2 अप्रैल 2019. अगर 25 जून 2018 में प्लस 7 डे और प्लस 9 मंथ ऐड करेंगे तो ये वाली डेट आ जाएगी. ठीक है, ऐसे ईडीडी निकाल सकते हैं कोई दूसरी भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेस इज यूज फॉर इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल इज. लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में अगर एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करना है तो कौन सी गैस यूज करेंगे? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम. करेक्ट आंसर है इसका सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करेंगे लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड फ्लूड आफ्टर एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया के बाद क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं तो क्लियर लिक्विड डाइट देने से पहले कौन सा नर्सिंग एक्शन रिक्वायर्ड है? इसमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन लेगी? ए चेक फॉर बाउल साउंड, बी चेक यूरिन आउटपुट, सी चेक वेट, डी चेक गैग रिफ्लेक्स. करेक्ट आंसर है डी चेक गैग रिफ्लेक्स. एनेस्थीसिया के बाद अगर क्लियर लिक्विड डाइट दे रही है नर्स तो उससे पहले गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय. हाइट मेजर किससे करेंगे? अगर 2 ईयर का चाइल्ड है तो हम किससे इसमें से हाइट को मेजर कर सकते हैं उसकी? ए स्टेरियोमीटर, बी इन्फेंटोमीटर, सी गोनियोमीटर, डी रिफ्रैक्टोमीटर. करेक्ट आंसर है ए स्टेडियोमीटर. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. स्टेडियोमीटर से हाइट को हम मेजर कर सकते हैं चाइल्ड की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एम्स. दिल्ली एम्स की करेक्ट डायरेक्टर कौन है? ए डॉक्टर एस मिश्रा, बी डॉक्टर सी वी मिश्रा, सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डी जे पी नड्डा. करेक्ट आंसर है इसका सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया. ठीक है, ये करंट डायरेक्टर है दिल्ली एम्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोजिशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर मैस्टेक्टोमी. मैस्टेक्टोमी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजिशन देंगे? ए साइडलाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, बी एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विथ ए पिलो, सी लेफ्ट लेटरल पोजिशन, डी प्रोन पोजिशन. करेक्ट आंसर है बी एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विथ ए पिलो. ठीक है,
मैस्टेक्टोमी के बाद इसे हम पोजीशन देंगे, जो अफेक्टेड हैंड है उसको एलिवेटेड करेंगे पिलो से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोटेंशन विच फ्लूड इज प्रोवाइड. हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूड प्रोवाइड करेंगे, ए नॉर्मल सलाइन, बी डेक्सट्रोज 10%, सी NS3%, डी रिंगलेक्टेड RL. करेक्ट आंसर है डी रिंगलेक्टेड, क्योंकि इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है और हाइपोटेंशन में क्या होता है, सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लिकेशन मे बी सीन इन बर्न पेशेंट. बर्न पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन सीन होगा इनमें से, ए कॉन्ट्रैक्चर, बी DVT, डी वेन थ्रोम्बोसिस, सी पल्मोनरी एम्बोलिस, डी वेरिकोजा वेन. करेक्ट आंसर होगा ए कॉन्ट्रैक्चर. इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर में स्किन खिंची हुई सी हो जाती है, ठीक है, जो कि बर्न पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज. अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी को हमें डायग्नोस करना है तो उसका कन्फर्म टेस्ट कौन सा होगा, ए SCG, बी पाल्पेशन, सी अल्ट्रासोनोग्राफी, डी AFP. करेक्ट आंसर है इसका सी अल्ट्रासोनोग्राफी. ठीक है, ये क्या है, कन्फर्म डायग्नोस है. अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी को हमें डायग्नोस करना है तो ये कन्फर्म टेस्ट होगा. ठीक है, SCG नहीं होगा ह्यूमन, ये SCG इसलिए नहीं होगा क्योंकि SCG नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं. SCG फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट विच कंडीशन. गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूड का गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है, ए फीटल डिस्ट्रेस, बी पोस्ट मैच्योरिटी, सी RH इनकम्पेटेबिलिटी, डी IUD इंट्रायूटराइन डेथ. करेक्ट आंसर है सी RH इनकम्पेटेबिलिटी. ठीक है, गोल्डन कलर है अगर एमनियोटिक फ्लूड का तो वो क्या इंडिकेट करेगा, RH इनकम्पेटेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाइड्रेटिव फोर मोल सर्जरी द नर्स शुड असिस. हाइड्रेटिव फोर मोल हो गया अगर पेशेंट को, उसकी सर्जरी हुई है तो नर्स क्या असिस करेगी उसके बाद, ए यूरिनरी आउटपुट, बी SCG, सी वेजाइनल डिस्चार्ज, डी BIOPSY रिजल्ट. करेक्ट आंसर है ए बी SCG. SCG असिस करेगी हाइड्रेटिव फोर मोल सर्जरी के बाद, क्योंकि हाइड्रेटिव फोर मोल में क्या होता है, SCG का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इसलिए SCG को असिस करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए स्केल्टन मसल रिलैक्सेंट. ए केटामाइन, बी पेंटोथल सोडियम, सी एट्रोपाइन, डी फेंटानाइल. करेक्ट आंसर होगा इसका बी पेंटोथल सोडियम. ये किसके लिए यूज़ करते हैं, स्केल्टन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ड्रग यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे फीवर इज़ द अदर नेम ऑफ. मंडे फीवर को अदर किस नेम से जानते हैं हम, ए एस्थेसोसिस, बी बायजनोसिस, सी सिलिकोसिस, डी एंथ्रोकोजिया. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स. ठीक है, प्लीज़ आंसर ज़रूर देना है आपको. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें. इसका आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉच.